फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काफ़ी लग्जरियस चिकन लेकिन बहुत ही इजी वे में नॉमिनल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो घर पे अवेलेबल है. सो लेट्स मेक इट. ऑलमोस्ट 1 kg के अकॉर्डिंगली मैंने चिकन लिया है और चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है थोड़े से मिर्ची, टर्मरिक दैट इज़ हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर के साथ. ऑलमोस्ट 4 tablespoons के अकॉर्डिंगली तेल लिया है मैंने. ऐसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें 4 बड़े nicely chopped onion और बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. तो इसमें जो करी बनेगा वो अनियन और गार्लिक का बनेगा. सो अ लिबरल क्वांटिटी ऑफ अनियन एंड अ लिबरल क्वांटिटी ऑफ गार्लिक. गार्लिक का पेस्ट मैं घर पे ही बनाती हूँ तो उसकी वीडियो अलग से आप बाद में बता दूँगी कभी. लेकिन इसमें अभी मैंने लिया है 3 tablespoons गार्लिक, जिसको अब थोड़ा सा जब तक ये पिंक ना हो जाए, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए अनियन, तब तक चलाना है. मैं ये इंडक्शन पे बना रही हूँ ताकि आपको टेम्परेचर का पता चले. अभी ये 1200 पे है और मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूँगी बिकॉज इसके बाद ये लो हीट पे पकेगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से पकेगा. ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया है और अब इसमें हम चिकन डाल देंगे. इसमें मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नमक डाल दिया था जब मैं मैरिनेट कर रही थी, मिर्ची और हल्दी भी डाल दिया था. तो अभी मैं कुछ भी नहीं डालूंगी और जब ये थोड़ा सा टॉसल हो जाए तो इसे अब ढक देना है. टेम्परेचर को मैंने 600 कर दिया है बिकॉज बहुत लो हीट पे पकेगा और ये ढकने के बाद इसके अंदर अब ऑटोमेटिकली स्टीम आना स्टार्ट हो गया है तो वो चिकन को भी गला देगा और मसाले को भी साथ साथ ही कुक करेगा. इससे होगा ये फ़ायदा कि चिकन का जो भी टेक्सचर है वो कोलैबोरेट होगा आपके अनियन के साथ, जो उसके टेस्ट को एनहांस करेगा. जस्ट आफ्टर आप देखेंगे 5 मिनट हुए हैं मुझे अभी इसे खोले और इसमें ये इसका जूस जैसा पूरा बाहर आ गया है, चिकन गलना स्टार्ट हो गया है और कुछ देर इसको और पकाना है इसी तरह ढककर. उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि नमक इसका ठीक है कि नहीं, अदरवाइज़ नमक फिर डालेंगे. 15 मिनट हो गए हैं, हर 5 मिनट में मैंने थोड़ा थोड़ा सा टॉस भी किया है इसे ताकि ये नीचे लग ना जाए. थोड़ा नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक हम डालेंगे इसमें क्योंकि इसके बाद ग्रेवी के लिए थोड़ा सा दूध भी डालना है तो नमक अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ज़्यादा होगा. और ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर मैंने मैरिनेशन के वक्त नहीं डाला था, ये अभी डाल रहे हैं. ब्लैक पेपर थोड़ा ज़्यादा भी होगा मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली हुई है तो. और जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो कश्मीरी लाल मिर्च का है जिससे तीखापन बिल्कुल नहीं आता, तो ब्लैक पेपर मैंने डाला है. उसका जो फ्लेवर रहेगा दूध के साथ उसका अलग ही टेस्ट आएगा. करी तो ऑलमोस्ट रेडी थी लेकिन अब इसमें हमने दूध डाल दिया है और दूध डाला है टोन मिल्क. आप कोई भी दूध डाल सकते हैं, इसमें हैवी क्रीम मिल्क भी डाल सकते हैं और इसे अब थोड़ा सा इसी हिसाब से पकने देना है. इसे हम ढक देंगे और ऑलमोस्ट और 5 मिनट पकने देंगे. अगर दूध नहीं डालते तो भी वो ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व था, जस्ट आपको धनिया डालना था उसमें. लेकिन अब इसमें दूध और मलाई इन द एंड डालेंगे तो वो और क्रीमी और रिच बन जाएगा. टेम्परेचर को मैंने अभी बढ़ा दिया है, 1000 कर दिया है और यू कैन सी ये बबलिंग होना स्टार्ट हो गया है. एंड अगर आपको थोड़ा सा जो करी है वो थोड़ा सा रनी पसंद है तो इसी कंडीशन में हम मलाई डालेंगे, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है तो इसे थोड़ी देर और कुक करने देंगे और फिर उसके बाद हम इसे लास्ट में गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम से. अब ये कंडीशन है इसकी और इसे मैं थोड़ा सा खोल कर पकाऊंगी ताकि इसका जो रेसिड्यू है थोड़ा सूख जाए. और क्योंकि चिकन तो कुक ऑलरेडी हो चुका था, ये थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद इट विल बी फिनिश्ड. ये लास्ट स्टेज है इसका, इसमें अब हम थोड़ा सा चिकन मसाला डालेंगे. मैं एवरेस्ट का चिकन मसाला डाल रही हूँ, दिस विल बी इनफ. और ये लास्ट में डालना है ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल इंटैक्ट रहे. और जैसे ही ये डालेंगे हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे बॉयल करना है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 minute or 2, और इसे ढक देना है. दिस इज़ कुक्ड, हम गैस बंद कर देंगे और इसे उसके बाद हम इसमें क्रीम डालेंगे.
फ्रेश क्रीम जो है मैं अमूल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घर की बनी हुई मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप जितना लिबरल हो सके उतना बेहतर है, उतना क्रीमी बनेगा उतना इसका टेक्सचर अच्छा आएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो 2 टीस्पून काफ़ी होता है, बट जस्ट टू बी अ बिट इन अ संडे मूड। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड यू नो द ड्रिल, हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।